हेलो जी, मैं संदीप स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नए दिन और एक नई वीडियो में। तो भाई कल मैं पहुँच गया हूँ गुड़गांव से जोधपुर। जोधपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर आगे एक मेला होता है यहाँ पूर्णिमा के दिन, जिसको कवर करने के लिए मैं आया हूँ। 3-4 साल से सुन रहा था इस जगह के बारे में, चलो इस बार प्रोग्राम बन गया तो भाई आ गए और आपको भी दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे कैसे कैसे हैं, यहाँ क्या क्या होता है। अगले 3 दिन यहीं की वीडियोस आने वाली है अपनी, तो चलिए और दिखाता हूँ मैं आसपास के नज़ारे कैसे हैं यहाँ। वही कुछ इस तरीके की है ना यहाँ दुकानें वगैरह हैं, और ये जितने भी एरिया है आप ऐसे देख रहे हो ये गेस्ट हाउस है, इनके अंदर चारपाई डली हुई है भाई सैकड़ों की संख्या में, वो भी दिखाएंगे आपको। अलग अलग जगह है ये, जैसे सीसानी धाम वाले बावल, इस तरीके से अलग अलग एरिया से ना लोगों ने अपने भाई यहाँ पे बना रखे हैं गेस्ट हाउस, न्यू हरियाणा गेस्ट हाउस। और मेरे को पहली बार पता चला कि यहाँ पे हरियाणा वाले बहुत सारे आते हैं, बहुत टाइम से आते हैं, तो ऐसी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, लोग पहले से आ रहे होते हैं। तो इस तरीके की दुकानें हर चीज़ की ना आपको मिल जाएंगी। और ये सामने गेस्ट हाउस है, ऐसे ऐसे गेस्ट हाउस यहाँ बहुत सारे बने पड़े हैं। और यहाँ हो रहा है भंडारा, कोई कुछ बांट रहा है। तो भाई यहाँ पे बट रही है खीर का प्रसाद, तो इस तरीके से यहाँ लगातार कोई ना कोई कुछ ना कुछ बांट ही रहा है जैसा जिसकी श्रद्धा। ये देखो ये गेस्ट हाउस है, सब लिए जा रहे हैं देखो। तो भाई गेट से जैसे ही अंदर बढ़ते हैं ना, तो भाई जैसे ये खाट यहाँ बिछी हुई है ना, ऐसी ऐसी खाट, एक रजाई एक गद्दा वो आपको मिलता है यहाँ 100 रुपए के अंदर, ये 100 रुपए पर हेड है। तो यहाँ चल रही है भाई खरीदारी, और देखो कितने लोग। और यहाँ से ठीक सामने आपको ये मंदिर दिखता है, इसको तो लोग भारती कहते हैं, ये एंट्रेंस है भाई। और सारे ऐसे ही जिसको जगह नहीं मिली वो भाई यहाँ लेटे। ये है भाई मंदिर का एंट्रेंस, और मंदिर के सामने कुछ ऐसे नजर है। तो भाई ये है मंदिर का एंट्रेंस, अब इससे चलेंगे अंदर। देखो यहाँ ना कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, यहाँ चल रही है परिक्रमा, यहाँ कुछ लोग लेटे हैं, और ठीक बिल्कुल सामने। तो अब चलते हैं लोगों के साथ, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, और ये परिक्रमा कैसे हो रही है ना वो देखते हैं आप। यहाँ पे भाई ये लोग लेट के परिक्रमा कर रहे हैं, 2 लेडीज हैं। Thank you.
सुबह यहाँ पे कुछ इस तरीके की एक्टिविटी भी चल रही है, तो वो भी हो रहा है। वहाँ इस तरीके से कुछ चल रहा है साइड जो है। तो मंदिर के दर्शन हो गए, मंदिर अंदर से दिखा दिया आपको, अब चलते हैं ऐसे बाहर और बाकी चीज़ें अलग अलग वीडियो में आएंगी। अब बाहर तो पहले के अंदर सबसे ज़्यादा अभी तक जो दिख रहे हैं पंजाब के, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पंजाब। अरे देखो ये बना रखा भाई कबूतरों के लिए, पक्षियों के लिए रहने का। तो भाई इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के एक राजा होते थे जोधपुर के, नरेश जसवंत सिंह। वो अपनी सेना के साथ इस इलाके से एक बार निकल रहे थे, उनके पास पानी हो गया था पीने का ख़त्म। तो भाई राजा जसवंत सिंह जो थे उनकी सेना यहाँ से गुजर रही थी, तो उनको लगी प्यास। तो राजा ने देखा बाबा जी का यहाँ पे धुना है, तो उन्होंने आके इनसे बोला भाई बाबा जी हमारे को और हमारी सेना को प्यास लगी है, तो हमें पानी पिला दो। तो बाबा जी तो भाई तभी से है ना इस जगह के चर्चे होने लगे आसपास के इलाके में, और इस धाम में लोगों की बीमारियाँ ऊपरी, इसको जादू टोना भूत। तो भाई यहाँ पे लोगों के ना भूत प्रेत जादू टोने वाली जो चीज़ें थी या शरीर में किसी भी तरीके की बीमारी थी जो भी था एक्स वाई जेड उन चीज़ों का जो है वो तो यहाँ पे इलाज होने लगा। तभी से इस इलाके की धीरे धीरे मान्यता बढ़ती जा रही है। तो पिछली वीडियो में जब आपको दिखाया होगा ना मैंने कि मैं यहाँ जोधपुर में एक जगह हूँ, तो उस टाइम क्राउड नहीं थी यहाँ। अब टाइम हो रहा है भाई 5 तो देखो, और यहाँ के नज़ारे अब कुछ ऐसे हो गए। जरा इनको पार कर लो। अब कुछ ऐसे हो गए नज़ारे यहाँ भाई। पब्लिक आगे आगे जितना बढ़ेंगे ना, पब्लिक हो रही है बहुत ज़्यादा। पब्लिक में वीडियो बनाई हो खुले मौसम में, यहाँ पे कैमरा कोड में व्हाट्सएप कर तो भाई शाम तक आपको जो नज़ारे दिखाए थे ना वो अब हो चुके हैं चेंज। अब पीछे तो आपको क्राउड दिख ही रहा होगा, फिर दिखाता हूँ सामने की तरफ। ये देखो भाई ये मंदिर परिसर है, और ये पूरा का पूरा इस टाइम भर चुका है लोगों से, तो चारों साइड लोग ही लोग हैं भाई। तो भाई अब जो है ना मंदिर परिसर के यहाँ नज़ारे चेंज हो गए पूरे के पूरे, चारों तरफ इतनी पब्लिक फैली पड़ी है, हर साइड आपको इतने बंदे दिखेंगे ऐसे ज़्यादा। हर तरफ लोग ही लोग आपको नज़र आएंगे यहाँ। तो भैया देखो चारों साइड है ना आपको बंदे ऐसे ही बैठे मिलेंगे, देखे।